सर चौथा स्टॉक है जेएसएल, जेएसएल के 170 नतीजे में आए सर बहुत स्टॉक अच्छे, तो हाँ बहुत अच्छे तो नहीं आए, लोग थोड़ा सा उतना मतलब जितनी उम्मीदें थी बाजार को उस तरीके से नहीं, लेकिन फर्क तो कुछ खास पड़ा नहीं है सर, कुछ खास। सर स्टॉक पे फर्क पड़ा है क्या? हाँ जेएसएल हमने मतलब 170 पे दिया था, 240 जी पे जी हमने सर लास्ट मंडे या फ्राइडे को बात की थी, देन अब 260 चल रहा है सर, कल 260 आ गया रिजल्ट के बाद, और ये रिजल्ट के बाद का सिनेरियो है सर। तो नहीं मार्केट मैं उल्टा रिजल्ट वो कह रहा हूँ कि नहीं पड़ा, मतलब वो वाला विपरीत असर अच्छा नहीं पड़ा, उल्टा असर अच्छा नहीं पड़ा है कि जो कि मैं समझ नतीजे गया के सर, तो रिजल्ट बहुत अच्छा कुछ, नहीं आया हाँ उसके बावजूद कुछ ऐसा कुछ बहुत खराब नहीं हुआ कुछ ऐसा। जी सर, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसका रीजन अलग था, रिजल्ट अच्छा आएगा उसका रीजन अलग। तो आपको याद हो हमने 6 महीने पहले या 8 9 महीने पहले हमने बोला था मेटल सेक्टर से दूर रहिए क्योंकि मेटल सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा, करेक्ट? आपको जी याद हो तो हाँ जी हमने मेटल सेक्टर को 1 1.5 महीना पहले पकड़ा, जब अब मेटल सेक्टर ठीक हो रहा है, तो मार्केट हमेशा फ्यूचर 6 महीने का आगे देखता है, मार्केट आज का रिजल्ट नहीं देखता। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट देख रहा है आने वाले टाइम पे जो रिजल्ट अच्छा आने वाला है उसके हिसाब से प्राइसिंग देता है, और जो प्राइसिंग नहीं मिल रही थी पहले क्योंकि लास्ट 8 9 महीने में नहीं चल रहा था बिकॉज रिजल्ट खराब आना था और मार्केट को पता था। तो क्योंकि आपको चाइना ओपनिंग अप हो रहा है, यूएस में रिसेशन की डर थोड़ा सा कम हो रहा है, यूरोप थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, तो जब भी ये चीज होगा तो कमोडिटी प्राइजेस भाव बढ़ेंगे और वो आने वाले टाइम के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा सर। मैं जी इसीलिए स्टॉक दिया था, इस रिजल्ट के हिसाब से स्टॉक नहीं है, बट वो मार्केट हमेशा 6 महीने आगे की प्रेडिक्ट करता है, इसलिए करेक्शन आपको इस स्टॉक पर नहीं दिख रहा। चाहे वो जीपीआईएल भी देख लो तो 410 रुपये पड़ा हुआ है, आज मैं जीपीआईएल की बात नहीं करेंगे बट वो भी कहीं भी करेक्ट नहीं हुआ मेटल सेक्टर के हिसाब से। तो ये है व्यू, और ये मार्केट हमेशा आगे चलता है, बहुत सारी चीजों से खबरों से ये वाली चीजें फैक्टर्ड इन हो चुकी होती हैं, समझ चुका होता है, और उसी लिहाज से तो जो खराब नतीजे आने थे वो फैक्टर्ड इन थे, और अब आगे चल करके जो बढ़िया नतीजे जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट में शायद आएंगे और जो चीजें रिकवरी हो रही है उसके लिहाज से अब कहीं तेजी उसके अंदर में आ भी रही है। और फिर वही वाली चीज की टाइमली अगर आप पकड़ लेते हैं, जो कि लोकेश जी कहते हैं उनकी महारत है उसमें, तो उसका फायदा भी मिलता है स्टॉक में भी और आपको भी अपने पोर्टफोलियो में।